ये कॉफी छोड़ दो, मैं पी लूंगा। नुक्कड़ से शेयरिंग ऑटो पकड़ कर नाला सुपारा जाओ। वहाँ सुपारी नहीं खरीदनी, ब्लैक एंड व्हाइट दुकान पर तुम्हें रंग बिरंगी सारे कलर मिलेंगे, बॉलों के भी। चमका लो। तू सिंगल ही मरेगा। पुष्पा मेरी बात सुनो, तुम्हें विटामिन सी की कमी है। मेरा विटामिन एन फॉर लव चख लो, सारी प्रॉब्लम खलास। दफा हो जाओ। ये लड़की समझ नहीं रही है यार, मैं गॉर्जियस हूँ तो उसे भी तो हैंडसम लगना चाहिए। गॉर्जियस नहीं, गोरिल्ला है तू। अरे छोटे बाल क्यों जल गए? पुष्पू, आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं विटामिन की कमी से। बेचारी की बेइज्जती करती। तेरी जबान इतनी चलती है, उस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। किसी लड़की को पटाने के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं। बेटा जब धीरे धीरे बाल झड़ जाएंगे तो कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करेगी। खामोश। घर का इकलौता कमाता हुआ वारिस मैं हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग मेरे माई बाप और बॉस बने बैठे हैं। इन लोगों को हटाकर मैं पटाकर उसे घर लाऊंगा। मैं दुल्हन लेने जा रहा हूँ, तुम पंडित लेकर आना। पुष्पा 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 पुष्पा, अरे तेरी रिदम से ऐसा लग रहा है जैसे तू टिकट ब्लैक कर रहा है या किसी स्टेशन के बाहर समोसे बेच रहा है। पुष्पा 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 पुष्पा, मुझे माफ कर दे जानू। वो तेरी जानू बनी है अभी तक? तू जाने मन बन गया है? वो ऐसे नहीं पटेगी। सॉरी सॉरी बोलने का। पुष्पा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अबे तू आर्मी ऑफिसर है जो ऑर्डर दे रहा है? माफी मांगनी है तो पैरों में गिर जा, उसके तलवे चाट। पुष्पा 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 पुष्पा, आई एम सॉरी पुष्पा। हाँ, इस तरह वो पिघल जाएगी। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मेरी बात सुनो। बहुत उजाला है, तुम्हारी हेडलाइट चालू है। जरा संभल कर, बैलेंस गिर गया तो तुम मुझ पर गिरोगी। आजकल तो विटामिन की कमी सब में होती है, बुरा क्यों मानती हो? हट जाओ वरना कुचल दूंगी। मेरी बात सुनो। हटो। गई। इट्स ओके। सामने वाले का नुकसान हो, तुम्हारा टायर तो नहीं पता। डेंट हो जाए, पेंट करवा दूंगा। पीछा छोड़ो मेरा। पुष्पा पुष्पा। हेलो कार्तिक, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। केम छे, क्या छे मजामा? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? अपनी सल्तनत में। अभी आती हूँ। सब लोग दरबार में हाजिर हो, घर को वारिस देने वाली आ रही है, उसका इस्तकबाल हो। इस सलीम की अकड़ तो अनारकली निकालेगी। आओ बेटी। अरे दुल्हन बिना दस्तक दिए? कार्तिक कहाँ है? ए दुल्हन, काफी मारेगी? कार्तिक को पिलाइए, उसे जरूरत भी है। लगता है बात बन गई। ओ भाई, अरे भाई भाई, क्या बात है भाई? ऐसी कौन सी अंधेरी गली में लेके गया था कि खुद घर पे आके घर को रोशन करके गई? उस दिन माफी मांगने गया था। गया था ना, गाड़ी ठुक गई थी उसकी। हाँ, ठुकी थी। तो उस कार के मालिक को मैंने पुष्पा का एड्रेस दे दिया था। क्या चाहिए तुम्हें? हक चाहिए मुझे। पुष्पा बहन कौन है? मैं हूँ, आप कौन? आखिर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किस गधे ने दे दिया? पार्किंग में खड़ी गाड़ी को ठोक दिया। ओह, आपकी है, सॉरी। माफी लेकर चाटूंगा क्या? नई कार चाहिए। जबान संभाल के वरना गंजे पे। गंजा कहती है? मुझे तुझसे नई कार चाहिए वरना मैं तेरे घर वालों को गंजा कर दूंगा। उंगली दिखा दी है, नीचे कर। मैंने गुल्लक में पैसे जमा करके कार खरीदी है। अपनी ये बकबक बंद कर, कितने चाहिए बोल और निकल यहाँ से। 50,000 रिपेयर का और 1,00,000 गंजा बोलने का। दफाओ। ये तो रिपेयर का हुआ, गंजा बोलने का? ये 500 पकड़, इसका रिपेयर चार्ज। धाकड़ बनती है, गाड़ी ठोक के एड्रेस चिपकाती है। ले पकड़, गंजा हो तो क्या हुआ, टपली बजाएगी। कहा था ना मेरे प्यार में गिरोगी। प्रेम पत्र? लव हुआ है तो लव से बोल देना। प्रेम पत्र? और तुझे टकले को मेरा पता क्यों दिया? नहीं देता तो टकला मेरे घर पे आके वसूलता। मेरी खोपड़ी पे क्या पैसे उगते? टकले का बिल का हिसाब कर दिया, मेरे दिल का भी कर दे। चुप हो जा, टकला इतने पैसे लेके गया कि बाल उगा लेगा। पोष्पी गरम मत हो, बाहर चाय की टपरी पर ठंडा मिलता है। अगर तुम चाहो तो एक ही ठंडे में 2 स्ट्रॉ घुसा कर गर्मी मिटा सकते हैं। मैं ज्वालामुखी हूँ और मैं ऐसी ही ठंडी नहीं होंगी। अच्छा हुआ सही वक्त पर तेरी असलियत पता चल गई, वरना पता नहीं कहाँ सर फोड़ती। अगर तूने अब मेरा पीछा किया ना तो पुलिस तेरा पीछा करेगी। पुष्पा नॉटी है? तुम प्यार की लोकल नहीं एक्सप्रेस पकड़ रही हो। मतलब आज निखार अलग ही है। हा? कैसा निखार? ब्लैक एंड व्हाइट दुकान से कलर उठा के खुद को रंगीन कर दिया। छिछोरे। अरे शादी की तारीख तो बताओ। छी, छी। बेवकूफ।
लड़की चिंगारी है तो क्या बारूद बन के चला देगा? चल भाग। अरे सुना नहीं सुना? मुस्तफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। धोखे का दूसरा नाम मुस्तफा ग्रुप है। सत्या नाम के एक शख्स ने इसका खुलासा किया है। ब्रेकिंग न्यूज का कीड़ा बहुत काटता है क्या? मुझे रोशनी में लाके तुम लोग अंधेरे में काय के लिए जाते हो? यादव, ये फोटो अपने नाम का बहुत नारा लगा रहा है, इसका नाड़ा टाइट कर दे। ठीक है, अगली 26 तारीख को इसकी बरसी होनी चाहिए। 26 तारीख हमारी कंपनी के लिए अहम दिन। आप सबकी मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑडी कंपनी ने जो हमें ऑर्डर दिया है उसे हमें बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करना है। श्रीनिवास जी, 25 तारीख तक बैंक के सारे काम कर दीजिए। टैक्स टाइम पर भरिए, टैक्स की चोरी से देश बर्बाद हो रहा है। बाबा आप समझते क्यों नहीं है? कब तक यूं ही फिरते रहोगे? बाबा नौकरी करने की मेरी जरा से भी ख्वाहिश नहीं है। तो चाहते क्या हो? बाबा मैं क्या हुआ? कौन है ये? क्या कहूँ साहब, ये मेरा बेटा है सत्या। हाय सत्या। हेलो सर। कॉलेज के सामने तुम ही धरना दे रहे थे ना? सारी मुसीबत की वजह वही है, इसने MBA में टॉप किया है। कब से कह रहा हूँ कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन इसे तो समाज सेवा करके लोगों का दुख दूर करना है। बाबू भाई इत्मीनान से अपना काम कीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। ठीक है साहब, फिक्र मत कीजिए, जाइए। सत्या, सबकी मदद करना एक नेक काम है, लेकिन अपनों का दिल दुखा कर नहीं, फैमिली को साथ लेकर चलो। बाबा का कहना मानो। बाबा की बात मानने में एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा के लिए तो उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ये बेसहारा लोग ही मेरा परिवार है। खैर छोड़िए, कल शाम 5 बजे भारतीय पार्क में हमने लोगों को आगाह करने के लिए अवेयरनेस कैंप रखा है, आप जरूर आइएगा, हमें खुशी होगी। बिल्कुल। 20,000 शेयर्स, 80,000 कमेंट्स, 2,00,000 लाइक्स। वाह, तू तो रातों रात मशहूर हो गई। तू गोल्ड माइंस की मूवी की तरह एकदम सुपरहिट हो गई। क्या बोलती हो पुष्पा? बिल्कुल मशहूर ये बैटरी हो रही है और कॉफी मेरे पैसे से पी रही है। शाड़ी बनती है, 2 रोटी और 1 केला बांट के खुद को दानवीर समझती है। फकीर कहीं। अरे यार ये गंजा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने कुछ बोला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं आती हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? माफी वापस करने आया हूँ मैडम। किस्सा बताता हूँ। कल एक पान खाने वाला बेवड़ा मेरी गाड़ी पर थूक के चला गया और पर्ची ठोक गया कि तुझे भी ऐसे ठोक दूंगा। और एक देवी जी आप हैं, ठोकने पर पैसे लेने के लिए एड्रेस देकर गए। आप लक्ष्मी जी का आभार है। रुकिए, बस यही सारी तारीफ वहाँ जाकर भी करिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये है लच्छूलाल, इनकी कार में ना मुझसे छोटा। इत्तू सा, इत्तू से डेंट के लिए मैडम ने 5,00,000 रुपए दिए। अरे आजकल एक गरीब को 10 लोग मिलकर एक कंबल देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, वो बेचारा ठंड से नहीं शर्म से मर जाता है। और हमारी मैडम है, आपका तो पुतला बनना चाहिए मैडम। बस भी कीजिए लच्छूलाल जी। चालू रहिए। मैंने नाना नानी पार्क के बाहर चाय की टपरी खोली है, रिबन आप ही काटेंगी, ना मत कहिएगा वरना। वक्त कहाँ मिलता है? काम वाली बाई से कटवाऊंगा। और तुम और फिर से तुम इस देवी के पैर धोकर पानी पियो। अरे अरे लच्छूलाल जी, जरा सा और। आप लोगों को बता दूं, ये चाय की टपरी भी मेरी है। अगर आपका बिल मैं स्पॉन्सर करूं तो आप चारों की दुआ से मेरी चाय टपरी और हो जाएंगी। बिल्कुल लच्छूलाल जी। बढ़िया। सिर्फ तुम्हारे नेक कामों की वजह से तुम दुनिया में एक दिन मशहूर हो जाओगी। अब यहाँ क्या लेने आई है? आपने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था ना? तो आज पीने आ गई। ना हो पाएगा, कुत्ते को पिला दिया मैंने तेरी कॉफी का दूध। उसकी दुआ से दूसरी लड़की देखने जा रहे हैं, निकल यहाँ से। बेटा कारतूस, सबको हकाल और ताला मार। देख लजीज, रिश्ता शुरू होने से पहले फीकी बातें मत कर देना, वरना पुष्पा वाला हाल होगा। अरे फिकर नॉट, पुष्पा के साथ तो टेस्ट मैच खेल रहा था, आज वाली के साथ जाकर फाइनल मैच खेलूंगा। पुष्पा की प्यार वाली गेंद में ज्यादा स्पिन नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है गेंद को उछाल। हिट विकेट, ट्रॉफी में गाली खा। पुष्पा, मैं तुम्हारी माला जप रहा था। मेरे साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे तुम? पुष्पा, मैं जन्नत का सफर तुम्हारे साथ करना चाहता था, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। वैसे यहाँ तशरीफ क्यों लाई हो? मेरे साथ अंदर चलोगे? अंदर नहीं जाएगा ये सिकंदर। नहीं 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 नहीं, मेरे खानदान की बुलंद तहजीब बिना निकाह के इसकी इजाजत नहीं देते। क्यों रे लल्लू? पुष्पा, जो भी कहना है भरे दरबार में कहो। अब मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। CNG पेट्रोल महंगा हो गया, काय को आई तू? फोन कर देती। तुम निकलो।
मुझे जरा दूसरी वाली के पास जाना है। चलो अरे झगड़े को सिर्फ 4 दिन हुए थे लेकिन वो बेशरम रिश्ता देखने भी चला गया। ऐसी क्या जवानी फूट रही है? मुझसे अच्छी लड़की उसे मिलेगी क्या? थोड़ा सा सबर तो करता। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है मैडम, तू है तो सही, नहीं है तो कोई और सही। हा? बस लड़की होनी चाहिए। वैसे भी मर्द और घोड़े में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, देखते ही हिनहिनाने लगते हैं। लच्छू लाल जी, अपना ये जो ज्ञान है ना, इसे अपने पास ही रखिए। उसे कमरे में आने को कहा तो उसने ढिंडोरा पीट दिया। कमरे में एक नाबालिग मर्द के साथ क्या करना था आपको? मैं तो उसे सिर्फ सॉरी बोल के मनाने गई थी, इज्जत लूटने का शौक नहीं है मुझे। आपके जज्बात को ही नहीं समझा। आज तो सीने और पेट दोनों में जलन हो रही है। ए राजू, मैडम के लिए पुदीन हरा जीरा मसाला लेकर आ। ओफो लच्छू लाल, मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है यार, दिल की प्रॉब्लम है, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? बस इतनी सी बात, आप उसे भूल जाइए, वो चपड़ गंजू आपके लायक है ही ना। अरे लच्छू लाल, मुझे उसके प्यार का नशा चढ़ गया है यार, और हैंगओवर उसी से उतरेगा। अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने ठीक मधुमक्खी जैसा डंक मारा है मुझे, डंक मार के चला गया लेकिन शहद अंदर छोड़ गया। मेरे लिए कुछ करोगे? आपके लिए तो रेगिस्तान में भी कुआं खोद दूं। अपनी उम्र के हिसाब से डायलॉग मारा करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देख उसे, 2 चक्के पे जा रहा है, पीछा कर। चल चल निकल जाएगा। अरे चल भगा। ए, 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 भगा बोला तो क्या, लोगों पे चलाएगा, देख के चला गाड़ी। कहां गया वो? वो रहा वो देख। अरे यही तो था भाई, वो रहा लाल कुर्ते में। सबको समाज सेवा का भूत चढ़ा है भाई, इधर ही डाल दूंगा। चुप रे, इतनी सारी पब्लिक है, राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। हाय सत्या, क्या हाल है? बढ़िया सर। भाई वो चश्मे वाला कार्तिक कंपनी का मालिक है। ये देखिए सर, सारे मुद्दे हैं इसमें। तू तो अब्दुल खबरी से ज्यादा खबर रखता है, देखते हैं इसको। अच्छा उस तरह? हाँ सर, ये पहले लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है, एक बार वो लोग समझ गए तो। माफ करना भाई, माफ करना। क्या बयान देता है भाई, मैं तो तेरा फंका हो गया। शुक्रिया भाई, 26 तारीख याद रखियेगा। हाँ 26 तारीख, 26 तारीख बहुत खास दिन है तेरे लिए। बिना काला चश्मा तेरा पार्सल आ रहा है ना, मुझे भी इंतजार है। 26 को मिलते हैं, तेरे से भी।